कि इस पावन धरा को नमन करते हुए हापुड़ जनपद विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ करके नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है और नगर निकाय चुनाव के माध्यम से जनता की बुनियादी सुविधाएं हो या फिर विकास के कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अभियान इन सभी के लिए फिर से आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्राप्त करने के लिए मैं और मेरे साथ यह सम्मानित मंच आज हापुड़ जनपद में आया है। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पूरी तस्वीर बदल गई है। एक नया भारत जिसके बारे में दुनिया की धारणा भी बदली है, दृष्टिकोण बदला है। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज हमारा देश सुरक्षित है, बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम और तमाम अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ ही जो नए सिरे से भारत की पहचान बनी है, अब तो हमारा हापुड़ भी उसके साथ जुड़ रहा है। देश की पहली इलेक्ट्रिक रेल दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ को हापुड़ होते हुए प्रयागराज से जोड़ेगी। अब तक प्रयागराज पहुंचने में जो 12-14-16 घंटे लगते हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद, गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा पाएगा। एक नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से मेरठ की दूरी को उसने सीमित कर दिया, मात्र 45 मिनट की दूरी तय, एक दूरी तय की जा सकती है। और इसीलिए एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो रहे बड़े बड़े कार्य और दूसरी तरफ आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में करोड़ों गरीबों को सिर ढकने के लिए छत दे दी गई, करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय बन गया, करोड़ों गरीबों के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड आ गया, करोड़ों गरीबों के लिए जनधन के अकाउंट खुल गए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा भारत अकेला देश है जो अपने नागरिकों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। पिछले 3 वर्ष से लोहा से सुविधा भारत के नागरिकों को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के कार्य हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, ये तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। विरासत का सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी के ही विजन को यूपी ने अक्सर से लागू करके अपने मिशन का हिस्सा बनाया है और आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, दंगा प्रदेश। पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं,
अवस्था कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। छह वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाथ तो आप देख ही रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनमानस सुरक्षित है, विकास के बारे में सोच रही है, परेशान है तो परिवारवादी लोग परेशान है और तमंचावादी परेशान है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, छह वर्ष में उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं भी बदली है। आज लोगों ने उत्तर प्रदेश का नागरिक हमारा कहीं जाता है लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। छह वर्ष पहले हमारा नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, आज पहचान को छुपाता नहीं, सीना तान करके बोलता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। जय श्री राम। क्या नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के पेट को भरने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है और देश का सबसे ज्यादा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का बेस भी उत्तर प्रदेश के पास है। जब कोरोना कालखंड में एकाएक 40 लाख कामगारों श्रमिक उत्तर प्रदेश आए, लोग उसे बोलते थे क्या करेंगे, कैसे इनका पालन पोषण करेंगे। अरे हमने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी को अपने साथ जोड़ता है, तो 40 लाख लोग तो हमारे अपने हैं, ये आ रहे हैं तो इनका स्वागत है, इनका उपयोग हम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और मैंने उस समय एमएसएमई यूनिट से कहा था, मैंने कहा एक एक दो दो लोगों को अपने यहां जोड़ दीजिए, इनका भी काम चलेगा आपका भी काम चलेगा। और भाई बहनों 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और कल 40 लाख लोग आए थे, ये 40 लाख लोगों को सबने अपने अपने यहां रख लिया, पता ही नहीं लगा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता, मजबूती के साथ जीता। अभी चुनाव आ रहे थे, नगर निकाय चुनाव, कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, लोग उससे कहते थे कि चुनाव आ रहा है कोरोना फिर आ जाएगा, मैंने कहा कोरोना यहां कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोरोना को हमने कैद कर दिया। और भाइयों बहनों, जब सरकार की सकारात्मक सोच होती है, केंद्र और राज्य सरकार एक सही एक ही दिशा में एक स्पीड से आगे बढ़ती है तो फिर विकास आने में कोई देर नहीं लगती, लोगों के जीवन में सुख और सुख ही दिखाई देगा और उस सुख को आगे बढ़ाने के लिए, मंगल ही मंगल को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं एक बार फिर से आया हूं। डबल इंजन सरकार पैसा लाएगी लेकिन उसको जमीनी धरातल पर उतारने की आवश्यकता, उस प्रकार का बोर्ड चाहिए नगर निकायों में। आप सोचिए ना, जितनी तमाम राज्यों की आबादी नहीं और तमाम देशों की आबादी नहीं, उतने लोग हमारे केवल नगर निकायों में निवास करते हैं। 4 करोड़ 32 लाख केवल बताता है, 6 करोड़ की आबादी, हमारी 6 करोड़ से भी की आबादी नगर निकायों में निवास करती है। नगर निकाय चुनाव में 4 करोड़ 32 लाख मतदाता है, आखिर इनकी आवश्यकता है होगी। 17 के पहले क्या था, हमारे नगर कूड़े के ढेर होते थे। मैं तो धन्यवाद दूंगा जनरल साहब को और उनके विधायकों को और वहां के भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को, जिन्होंने गाजियाबाद को देश के सुंदरतम नगरों में स्थापित कर दिया। भाइयों बहनों, क्या स्थिति थी, गाजियाबाद आने में लोग डरते थे, गंदगी और माफिया का भय, एक यहां भी पहचान हो जाती थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान हो जाती थी। लेकिन आज हमारे नगर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी। 17 के पहले सौदों का आतंक हुआ करता था, आज सौदों का आतंक नहीं, हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं,
17 के पहले तमंचावादी नौजवानों के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। हमने नौजवानों के हाथों में तमंचा नहीं टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य वर्तमान में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ा है। 17 के पहले हमारा व्यापारी रंगदारी देता था माफियाओं को और अपराधियों को, आज रंगदारी नहीं देता। आज तो हमारा व्यापारी 10 लाख रुपए की उसको सुरक्षा कवर हम लोगों ने बीमा कवर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से लिया है। और पीएम स्वनिधि योजना पटरी व्यवसायियों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रही है। 17 के पहले व्यापारी और शरीफ नागरिक सिर झुका करके चलता था, कैसे इज्जत बचे, कैसे जान बचे। लेकिन आज व्यापारी और समाज का संभ्रांत नागरिक सीना तान करके चलता है और अपराधी और माफिया सिर झुका करके जान की भीख मांग करके पत्ती लटका करके चलता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के, जो परिवर्तन हुआ है ना, ये विकास के साथ जुड़ते हुए सकारात्मक सोच के साथ उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश ने अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये उत्तर प्रदेश का ही नौजवान है जिसको नौकरी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश ही देगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं से कुछ दूरी पे बन रहा है, इसका लाभ भी हापुड़ को प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, उसके लिए तैयार करना, उसके लिए ऐसी नगर पालिका का गठन करना जो विकास की समग्र सोच को आगे बढ़ा सके। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हापुड़ में, पिलखुआ में, गढ़मुक्तेश्वर में और बाबूगढ़ में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाइयों बहनों, हापुड़ की पत्नी पहचान रही है और हापुड़ के बगैर तो कोई भोजन पूरा होता ही नहीं। हापुड़ के पापड़ के बगैर तो भोजन का स्वाद ही लोगों का फीका पड़ जाता था। लेकिन आज हापुड़ ने फिर से अपनी पहचान बनाई है। पिलखुआ अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है, पिछली सरकारों ने उसे समाप्त प्राय सा कर दिया था। सरकार ने, हमारी सरकार ने आके उसको प्रोत्साहित किया। आज वह फिर से अपनी एक नई पहचान बना रहा है। गढ़मुक्तेश्वर को एक पवित्र धाम के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। बाबूगढ़ में भी हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारी पहचान है। विकास की नई सोच के साथ आगे बढ़ने का एक प्रयास है और उसी प्रयास को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सोमती केन को हापुड़ नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। पिलखुआ से श्री विभु बंसल को अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। गढ़मुक्तेश्वर से श्री राकेश बजरंगी, ये सही बजरंगी की तरह दिखते क्यों हैं? और श्रीमती मुन्नी देवी बाबूगढ़ से, नगर पंचायत बाबूगढ़ से, ये हमारे प्रत्याशी हैं। एक बार कर्तव्य होने से जोरदार तरीके से उनका स्वागत करते हैं। इन चारों प्रत्याशियों को चारों नगर निकाय में आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन ये समर्थन आपका तभी माना जाएगा जब इनके साथ साथ इनके पार्षदों को भी जिताएंगे। सहमत है ना भाइयों बहनों? मैं भी
पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, बुनियादी सुविधाओं के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनेगा और नगर निकाय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बनेगा। हर घर नल की योजना हो या डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य, नगर स्वच्छ सुंदर और सुरक्षित बनेंगे। उत्तर प्रदेश फिर से देश के अंदर नगर निकायों में एक नया स्थान बनाएगा। इस विश्वास के साथ इन चारों प्रत्याशियों को इनके पूरे बोर्ड के साथ विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हुए